अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। उसमें सबसे पहले आता है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल के बारे में आप जो है पूर्व में भी जानकारी रखते हैं कि वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हम जानते हैं ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है, तो वैद्युत सेल यही होता है कि वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है किसी विलयन के रूप में, कोई घोल होता है और वो घोल जब हम किसी बर्तन में रखते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड अगर रखे जाते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक ऋण इलेक्ट्रोड कहलाता है, तो ये जो घोल है इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य। तो इस वैद्युत अपघट्य का ये इलेक्ट्रोड इसमें जब डुबाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये दो आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन, और ऋण आयन धनायन और ऋणायन के रूप में टूट जाता है ये। तो यदि इस पर हम इसको हम तारों से जोड़ दें तो इसमें जो है विद्युत धारा बहने लगती है। तो इसका जो धन इलेक्ट्रोड होगा वो ऋण प्लेट की ओर, और जो ऋण आयन है, ये जो ऋण आयन है ये धन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। यानी कि वैद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, वो धन तथा ऋण आयनों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए NH4Cl का अगर ये घोल है तो NH4 आयन और क्लोराइड आयन इस रूप में टूट जाता है। जो धनायन होगा इसको धनायन कहेंगे, ये ऋण प्लेट की ओर जाएगा, और जो ऋण आयन है ये जो है धन प्लेट की ओर जाता है। तो यानी कि वैद्युत सेल वह युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अब इसमें जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल, सेल क्या काम कर रही है, ये चेंज तो कर रही है, ऊर्जा को परिवर्तित कर रही है, वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये क्या है, हमने कहा अभी आपको कि किसी सेल में यदि हम इसको वैद्युत अपघट्य है इसको किसी तारों से जोड़ दें तो इसमें क्या बहने लगती है, वैद्युत धारा बहने लगती है। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रकट करते हैं, ई और माना यदि एकांक यदि क्यू आवेश है, यदि क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में डब्लू ऊर्जा व्यय होती है, डब्लू कार्य किया गया है, तो डब्लू अपॉन क्यू हो जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है बोल्ट, अर्थात विद्युत वाहक बल का जो मात्रक हो गया वो बोल्ट हो गया। तो हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम सेल को विद्युत परिपथ में प्रकट करते हैं ऐसे, ये धन इलेक्ट्रोड हो गया और ये ऋण इलेक्ट्रोड हो गया, ये बाह्य परिपथ हो गया। ये बाह्य परिपथ को हम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी विद्युत परिपथ को, छोटे से विद्युत परिपथ है इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ये धन और ये। हमने कहा कि अभी जब हम विद्युत वाहक बल को समझा रहे थे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा ली गई ऊर्जा, सेल द्वारा व्यय की गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब हम इस विद्युत परिपथ में, ये सेल के बाहर की बात है, एक बिंदु एक से दो तक किसी आवेश को ले जा रही है, तो ये बिंदु एक और दो के बीच एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा वो उसका क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। यदि बिंदु एक ये है और ये बिंदु दो माने हम, तो यहां से लेकर के सपोज किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या होगा, इन दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। तो है ये भी एकांक आवेश को ले जाने में कृत कार्य, ये क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य
ये हो गया। इसको हम वी से प्रकट करते हैं, वी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू वन या डब्ल्यू टू कह लीजिए या डब्ल्यू वन टू कह लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। सपोज इसको वी वन टू कह सकते हैं हम, एक और दो के बीच। वी टू थ्री ये हो जाएगा डब्ल्यू टू थ्री अपॉन क्यू, यदि क्यू आवेश को बिंदु दो से बिंदु तीन तक। ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ये सात हो गया, और इस तरह से आ, इस तरह से। तो वी थ्री फोर, वी फोर फाइव, वी फाइव सिक्स, इस तरह से जो है अलग अलग, इसके बीच भी भुवंतर, 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 इसके बीच टर्मिनल भुवंतर, यानी कि भुवंतर यानी कि टर्मिनल भुवंतर। यदि और यदि हम इस सेल सहित पूरा कर लेंगे तो कुल E बराबर हो जाएगा V12 प्लस V23 प्लस V34 प्लस सो ऑन एंड V लास्ट में, V अंत में कहां गया, वन पर ही आ गया। V सपोज 10 1 या V 9 1, 9 से 1 तक की सब। अब एक बात और याद रखिए, जो इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हमने पिछले देखा था कि हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है, लेकिन सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर किस ओर होता है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। सेल के अंदर धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, प्रवाह इसको बाह्य परिपथ भी बोल सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक धारा प्रवाह बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, परिपथ में धन प्लेट से, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ऋण प्लेट की ओर, प्लेट की ओर। और सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ऋण प्लेट से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, धन प्लेट की ओर। समझ रहे, ये इलेक्ट्रोलेट है, ये सेल की प्लेट है, ये धन है, ये ऋण है। तो ये अगर ये परिपथ है, ये बाह्य परिपथ कहलाएगा। धारा की अगर हम दिशा प्रकट करेंगे तो धारा की दिशा यहां प्रकट करेंगे, ऐसे ऐसे। यहां पर तो क्या है, धन से ऋण की ओर, लेकिन सेल के अंदर क्या है, ऋण से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की। अब हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध से के बारे में हम पहले से जान रहे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध धारा के प्रवाह में अवरोध। तो सेल का जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि हमने अभी बात करी है कि सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश प्रवाह को क्या कहते हैं, में किया गया कार्य जो है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। यानी कि जो आवेश है वो सेल से होकर भी गुजर रहा है, और हमने आपको बताया कि वो आवेश जो है किस प्रकार से आयनों के रूप में सेल के अंदर प्रवाहित होता है। तो सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में आने वाला जो अवरोध है वही क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके कारण होगा। यानी कि वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह में यदि अवरोध होगा तो सेल का वो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो ये निर्भर करता है सेल में जो धारा प्रवाह होगी वो किसके कारण से होती है, आयनों के आने जाने से, आयनों के आने जाने से। ये धन इलेक्ट्रोड है और ये ऋण इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो धन इलेक्ट्रॉन जो है, धन इलेक्ट्रोड ऋण प्लेट की ओर, और ऋण इलेक्ट्रोड जो है धन प्लेट की ओर जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यदि प्लेटों की दूरी ज्यादा होगी, यदि दूरी ज्यादा होगी तो अवरोध ज्यादा समझा जाएगा, यदि दूरी पास होगी तो ये आवेश एक दूसरे से आसानी से चले जाएंगे। यानी कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी कि दूरी अधिक होगी तो प्लेट का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अधिक होगा। नंबर दो, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल का मतलब है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। और जो इलेक्ट्रोड है वो अगर ज्यादा उनका क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा आवेश आएगा, कम क्षेत्रफल होगा तो कम आवेश आएगा, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, उसकी सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, की सांद्रता पर क्या करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। ये तीन चीजें जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रकट करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रकट करते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर से जो प्रतिरोध होता है, परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको कैपिटल आर से प्रकट करते हैं, उसको कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। यदि हमारे पास सेल का जो विद्युत परिपथ है, जो सेल से हम विद्युत परिपथ बनाएंगे वो किस प्रकार से बना सकते हैं, हम विद्युत परिपथ, परिपथ हम इस प्रकार से बनाएंगे, विद्युत परिपथ। यदि कोई सेल है, सेल को हम ऐसे प्रकट करते हैं, इसमें यदि बाह्य प्रतिरोध आर है इसको हम ऐसे प्रकट करेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल यदि E है, ये धन प्लेट कहलाएगी, ये ऋण प्लेट, ये बाह्य परिपथ में यदि प्रतिरोध R है, तो जो अगर हम पूरे परिपथ को हम प्रकट करना चाहें तो किस प्रकार से करते हैं, परिपथ में यहाँ पर अगर हम धारा को नापना चाहेंगे तो धारा नापने के लिए क्या होता है, अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। यहाँ पर ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। और जब हम इस सेल के, इस प्रतिरोध के सिरों पर अगर हम विभवांतर नापेंगे तो ये V कहलाता है, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। यानी कि इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर हो गया वो वोल्ट मीटर से नापेंगे। तो ये परफेक्ट जो है क्या हो गया, परिपथ हम इसको कह सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगता है और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगता है, अमीटर। वैद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर जो है इसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे इनमें किस प्रकार से जो है इनमें संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि परिपथ में हम कह दें कि I धारा बह रही है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम यहां प्रकट करेंगे इसको स्मॉल R, तो एकांक आवेश को, यदि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में जो सेल से जब पूरा कार्य किया जाता है वो सेल का विद्युत बल वाहक बल कहलाता है। तो ये W आउट एकांक आवेश को बाहर ले जाने में किया गया कार्य और W इन यानी कि सेल के अंदर आवेश प्रवाह, एकांक आवेश को प्रवाह में किया गया कार्य। W आउट यानी कि बाहर यदि वैद्युत धारा I बह रही है तो I इंटू आर प्लस वैद्युत धारा I बह रही है, सेल में भी वही धारा बहेगी जो इसमें बहेगी, I इंटू आर। आई को हम कॉमन ले लेंगे, R प्लस आर हो जाएगा। तो E इक्वल टू ये इनमें एक तो ये संबंध हो गया I R प्लस आर। यदि हम धारा का मान ज्ञात करना चाहें तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस आर। I इक्वल टू E R प्लस आर, ये नया फॉर्मूला एक और आ गया। यदि हम स्मॉल R का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर, या इसी को हम क्या भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम आई आर को ही क्या भी लिख सकते हैं, V E माइनस V, E माइनस V भी लिख सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। एक और रिलेशनशिप इनके बीच में आ सकती है, एक और यदि V को हम क्या लिख दें, IR के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा, V को, या V को हम कॉमन ले लेंगे, V को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V माइनस वन अपॉन I। ये भी एक रिलेशनशिप इनके बीच में बन जाती है।